हर हर महादेव। एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संजय पांडे जी हैं, इनका प्रश्न है कि श्री हनुमान जी के मंदिर में नित्य पूजन में कितने भार का भोग लगाया जाता है तथा श्री दुर्गा जी के मंदिर में एवं श्री रामचंद्र जी के परिकर मंदिर में कितने भार में भोग लगना चाहिए। माना कि ये पूछना चाह रहे हैं कि आजकल जो बहुत मंदिर बने हुए हैं और कई मंदिरों में भोग लगने की व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ चना चिनौरी या रेवड़ी रख करके थोड़ा भोग लगा देते हैं, एक आध फल का भोग लगा देते हैं, क्या ये ठीक है? मंदिरों में कितने भार में भोग लगना चाहिए, कितना वजन में भोग लगना चाहिए, कितना भोग लगना चाहिए, इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है? तो देखें, देखिए, धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने जब राजनेताओं के द्वारा काशी विश्वनाथ को भ्रष्ट कर दिया गया, जो कि देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित थे विश्वनाथ मंदिर, जिसका आजकल नवीनीकरण के नाम पर और ये जो है साहब प्राचीन शास्त्रोक्त मंदिरों का विखंडन कर दिया गया है, उनमें पहले सरकार ने समस्त अंत्य जाति वाले लोगों को या और सभी लोगों को, सब लोगों को जैसे तैसी अवस्था में भी प्रवेश करा दिया गया। और जबकि धर्म सम्राट ने ये निर्देश किया था, ये परामर्श दिया था, एक शास्त्र की एक विधा निकाली थी कि ऐसा करिए कि विश्वनाथ जी के मंदिर में अंदर कोई नहीं जाए, यहाँ तक कि काशी के राजा काशीराज भी नहीं जाए, सब लोग जो है बाहर से बरामदे से दर्शन करें और वहाँ केवल पुजारी ही जाए, तो सब लोगों को समानता का भाव रहेगा कि भाई मंदिर में कोई नहीं जाता है और मंदिर की मर्यादा भी बनी रहेगी। लेकिन सरकार ये नहीं मानी और मनमानी कर दी। तब धार्मिक लोगों के लिए विश्वनाथ जी का दर्शन करने का कोई स्थान बना रहे, उनकी आस्था बनी रहे, इस दृष्टि से उन्होंने जो काशी के गर्भगृह का, काशी के चार भाग हैं उसमें गर्भगृह को देख करके, खुजवा करके और शास्त्र के द्वारा जो सब खोज करके काशीखंड विशेष रूप से स्कंद पुराण से, तो ये जो केदारेश्वर महादेव हैं उनके ठीक बगल में मीर घाट पर वहाँ जो है स्थापना की। देखिए तो इसमें आप देखेंगे महाराज श्री ने काशी में केदारेश्वर महादेव के ठीक बगल में गंगा तट पर एक स्थान प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने वेद शास्त्रानुसार है ना वहां वेद शास्त्रानुसंधान नाम का एक केंद्र बनाया, और यहां पर जिसको आजकल लोग करपात्री धाम कहते हैं, इस पर गंगा जी की ओर एक मंदिर की स्थापना की गई, जिसमें महाराज श्री ने अपने सभी आराध्य देवों की स्थापना की। नर्मदा जी से जो है शिवलिंग की स्थापना, नर्मदा जी से लाए गए शिवलिंग की स्थापना की, नर्मद लिंग की, और इसकी जलहरी में चारों ओर गणेश, दुर्गा यानी पार्वती, विष्णु, सूर्य की स्थापना की गई। सामने सिंहासन पर मध्य में श्री राम पंचायतन, भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवती त्रिपुर सुंदरी की स्थापना हुई। इस प्रकार महाराज श्री ने मंदिर में पंच देवों की स्थापना की। नियम बनाया कि कम से कम, ध्यान देना, कम से कम 17 पाव अन्न का भोग प्रतिदिन एक समय लगाया जाए, एक समय में 17 पाव का भोग लगाया जाए, यानी कि 4.25 किलो अन्न का बना करके भोग, 4.25 किलो आटा लेवे और उसकी रोटी बनाए और सब्जी इत्यादि उसी अनुपात में ये सब ले करके कुछ मिष्ठान इत्यादि रख करके फिर भोग लगाया जाए, ये नियम बनाया। और भोग के साथ साथ बलिवैश्वदेव एवं गोग्रास आदि की शास्त्र विधि प्रक्रिया भी पूरी की जाए, साथ ही एक व्यक्ति का भोजन गोमाता को तथा एक व्यक्ति का भोजन गंगा माता को समर्पित किया जाए,
ये वहां लिख करके वो जो ट्रस्ट बना करके और मंदिर के जो नियम है उनमें वहां का प्रावधान तैयार किया और इसका नियम आज भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इससे क्या आप समझे कि एक मंदिर में माने मंदिर में जितनी मूर्ति हैं, जितनी भी मंदिर में जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के हिसाब से प्रत्येक एक मनुष्य के आहार के बराबर तो एक समय में भोग लगाया ही जाए। यानी कि किसी मंदिर में जैसे राधा कृष्ण का मंदिर है तो राधा कृष्ण के मंदिर में राधा और कृष्ण भगवान दो हैं तो कम से कम दो मनुष्यों के सामान्य दो मनुष्यों के भोजन का जो भार है उतना सुबह और शाम को भोग लगाया जाए, कुछ मिष्ठान दुग्ध इत्यादि का भी भोग लगाया जाए, भले वैष्णोदेव किया जाए वो ग्रास भी निकाला जाए, अतिथि इत्यादि के लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार हनुमान जी हैं, अब हनुमान जी तो पहलवान ठहरे तो उनके लिए भी खूब अच्छी तरीके से भोग की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। राम भद्र के में वहां जो है भगवान श्री राम है, लक्ष्मण है, मैया जानकी जी हैं और हनुमान जी भी हैं, चार लोग हैं तो इतना चार मनुष्यों के जो है पर्याप्त जो अन्न है आहार है वो उतना भोग उतने भार में भोग लगाया जाए। तो सामान्य विधि यही शास्त्र के अनुसार आचार्यों के द्वारा और पूज्य गुरुदेव के द्वारा यही जो है निर्देशन की गई है, यही बतलाई समझाई गई है कि मंदिर में जितनी मूर्तियां हों उन मूर्तियों के हिसाब से उन मूर्तियों की गणना करके उतने मनुष्यों के आहार के भार का भोग एक समय में लगाया जाए और शाम को फिर उतना ही लगाया जाए और दुग्ध मिष्ठान इत्यादि का भोग भी लगाया जाए, ये मंदिरों में व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि आजकल लोग मंदिर तो बनवा देते हैं लेकिन वहां भोग राग की व्यवस्था नहीं है। धर्म सम्राट एक ये भी बात कहते हैं कि भोग के साथ राग भी होना चाहिए, है ना। राग का मतलब जब देवता भोजन करें तो उस समय कीर्तन होना चाहिए, विभिन्न रागों का है ना वहां उच्चारण होना चाहिए, घंटा घड़ियाल बजना चाहिए, है ना, और कीर्तन मृदंग इत्यादि का वादन होना चाहिए ये भी, क्योंकि वो तो जो स्वयं राजाधिराज है तो उनके भोजन के समय पर राग की भी आवश्यकता है। ये भोग राग बिल्कुल ये जो है पूजन ग्रंथों में और पद्धति ग्रंथों में आचार से भी प्राप्त है। इसलिए ठाकुर जी के मंदिरों की, देवी देवताओं के मंदिरों की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था और भोग की व्यवस्था सम्यक रूप से होनी चाहिए। हर हर महादेव।